पक्षी जो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं उनको बैच बना करके सम्मानित करें। ड्राइवर बंधुओं और अनुरोध करना चाहते हैं अपना अपनी गाड़ी इधर को भेजना अगर कोई बाबूदा को सम्मानित करेंगे। आनंद यहाँ के बहुत ही हरदीला जी जो हमारे बीच सब समय रहते हैं, सोशल वर्कर हैं,
हम लोगों के साथ प्रोग्राम में बराबर का हिस्सेदार बराबर का भाग ही लेते हैं। और इस प्रोग्राम को करने के लिए मैं आनंद से कहूंगा कि विधावन जी को ध्वज फहरा करके सम्मानित करें। उत्तरी उत्तरी माना आनंद आनंद उत्तरी और जियो मंगला के सीओ ऑफिसर इंचार्ज हैं हमारे राकेश जी, बहुत ही कीमती अपना समय निकाल करके आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लेकर के जो हमारे बीच अभी हमारे गेस्ट बहुत ही खास हम लोगों के साथ अपने गार्जियन के तरह जुड़ा रहे हैं बाबूदा, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस शुभ अवसर पर दो चार शब्द कहें। बाबूदा तिलजला यूथ एंड स्पेशल स्पेशल वेलफेयर लुप्त हो आज के काली पुजो কালী পুজোতে সকলেই আমরা উপস্থিত হয়েছি। উপস্থিত আছেন রাজেন্দ্রজি, উপস্থিত আছেন রাকেশ ভাই ও আমার ভাইয়ের মতো সুরেশ। আজকে এই কালী পুজোতে উদ্বোধনের জন্য সুরেশ ডেকেছিল আমায়, অনেক জায়গায় করতে করতে আমার নিজের ওয়ার্ড আছে 72 নম্বর ওয়ার্ড, ওখানে ধোয়াশাটা করে আমি তারপর সুরেশের ডাকে এখানে আসছি। এসে দেখলাম খুব সুন্দর ব্যবস্থা এই কালী পুজোতে, বিশালভাবে আমি প্রথমবার এখানে এলাম কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে, একটা ডিসিপ্লিনের ভেতর কালী পুজো হচ্ছে। আমি শুধু বলি কালী পুজো মায়ের আরাধনা আমরা করছি, মায়ের আরাধনা আলোর পুজো, রোশনাইয়ের পুজো, বাজির পুজো, এই পুজোকে আমাদের ঠিক মতো দেখতে হবে। আমরা আনন্দ করব কিন্তু আনন্দ করতে গিয়ে কোনো দুঃখের কারণ যেন না হয় সেটা সবসময় আমাদের এলাকাবাসীদের কাছে দেখতে হবে। আমি তাই এলাকাবাসীর কাছে অনুরোধ করছি যে অনেক বাজি পূর্বে কালকে আমরাও পড়াবো, আনন্দ করব, আলো জ্বলবে, কিন্তু কখনোই যেন কোনো দুঃখের কোনো ঘটনা না ঘটে যাতে কিছু ক্ষতিকারক হয়। তাই সকলকে বলি যে আপনারা এই দুর্গা এই কালী পুজোতে ভালোভাবে আনন্দ করুন। ইতিমধ্যেই আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিয়েছে যে ধর্ম যার যার তার তার কিন্তু উৎসব সবার, তাই আসুন আমরা সবাই মিলে উৎসব করি, কালী পুজো করি। আমরা সব উৎসব কলকাতা শহরে হয়, কখনো কালী পুজো হয়, কখনো ঈদ হয়, কখনো দুর্গা পুজো হয়, আমরা সব পুজোতেই করি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে ধর্ম সবার, ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব সবার, তাই বলি আসুন আমরা সবাই মিলে পুজো করি এবং সবসময় নজর রাখবো যেন এই পুজো থেকে কোনো ক্ষতি না হয়। আর বলি যে মা কালীর কাছে আমরা আহ্বান করি যে গত বছরের মতো গত কয়েকটি বছরের মতো এবছরও আমাদের সুখে শান্তিতে রাখুন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ বাবুদাকে। हम लोग के बीच अभी अभी उपस्थित हुई है आप सभी के जान आप लोग सब जानते हैं वो यहाँ के पहचान का मोहताज नहीं है, यहाँ के 10 बरस काउंसिलर रह चुकी हैं सम्मी जहान, आप लोग उनके लिए एक जोरदार ताली बजाए कि हम लोग उनका स्वागत करते हैं। अभी इकरा सकीम की गुजारिश को वो ये सम्मी जहान के बैच उत्तरी पढ़िए सम्मानित कर दें। आप लोग एक जोरदार ताली में आगे सम्मान आवाज है। मैं रविदा को बोलूंगा मंच पर आने के लिए। अब मैं श्री राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने वाणी से आप सबका इस माहौल को खुशनुमा बनाए,
जैसे कि हम लोग इंतजार कर रहे थे, थोड़ी देर में हमारे मंत्री श्री सुब्रतो मुखर्जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें और इसी तरह हौसला अफजाई करते रहें और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा सहयोग करें। मैं रोहिदा से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। माइक से पुराना रिश्ता है, जहां भी जाता हूं लोग माइक तो सामने दे ही देते हैं। जब मैं इधर आ रहा था तो काफी कुछ देख रहा था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहिबा दीदी हमारी कितनी बार कह चुकी हैं कि ठीक से ड्राइव करें, बाइक चलाएं तो विदाउट हेलमेट ना चलाएं, पर मुझे लगता है कि ये कोई सुनता ही नहीं, कोई जानना चाहता भी नहीं। खास करके जो बाइक चलाने वाले हैं उन्हें तो लगता है मेरा क्या जाता, जाता तो अम्मी का है, तेरा क्या जाता। तो मैं देख रहा था कि एक लड़का एक लड़की को लेकर जा रहा है बाइक पे, तो मैं भोला से बात कर रहा था तो भोला बोला कि ये हमारे आप लगता है कहीं बाजू का ही है। दोनों ना लड़का हेलमेट ना लड़की हेलमेट, दोनों हवा के साथ घूम। तो मुझे तो देख के वो मतलब बाइक भी आजकल अजीबोगरीब आ गई है। लड़का सामने यूं बैठता है नीचे और बाइक की जो सीट होती है यूं ऊपर, मतलब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कम नजर आते हैं, मुझे तो विक्रम के ऊपर बेताल चढ़ा हुआ नजर आता है। मतलब कभी कभी देख के आप देखिएगा ऐसी ऐसी बाइक से लड़के एकदम नीचे धस गए हैं, सामने जो जो राइडर है ड्राइवर है जो चलाने वाला वो नीचे है और ऊपर ऊपर जो बैठा रहता है वो एकदम ऐसे दिखता है। आप ही बताइए कहाँ लगते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड विक्रम के ऊपर बेताल। चलो टीवी सीरियल आता था पहले बचपन में छोटा था तब मैं विक्रम बेताल देखता था, तो वो विक्रम बेताल वाला है। तो इस तरह से यहाँ तो मैं आता हूँ सुरेश भैया जब भी बोलते हैं। आज सुरेश भैया मैं बालीगंज प्लेस में एक शो होस्ट कर रहा था, अभी भी वहीं जाना है मुझे। और भोला जो सारथी है सुरेश भैया का, ये पहुंचा बोला नहीं आपको अभी आना ही होगा। हाँ बोला जल्दी ले जाना जल्दी छोड़ देना, तो बोला नहीं आपको आना ही होगा। आप लोगों के साथ जब भी आता हूँ वक्त बिताता हूँ अच्छा लगता है। हर शनिवार मैं काली मंदिर जाता हूँ, काली पूजा है, कल दिवाली है, डबल खुशियाँ हैं। तो मैंने देखा कि एक दिन एक इंसान एक आदमी माँ के मंदिर के सामने चिल्ला रहा है, हे माँ अमा के आरशोला बानिए दे, माँ अमा के आरशोला बानिए दे, माँ आरामी किचु चाइना। तो मैंने कहा क्या क्या बनना चाहते हो आप? बोला कॉकरोच बनना चाहता हूँ। बोला इससे फायदा? बोला आप नहीं समझेंगे। हमने कुछ तो समझ है मुझे। बोला आप क्या करते हैं? बोला मेरा नाम राकेश है, मैं रेडियो पे बोलता हूँ एफएम पे। बोला तब तो और भी कुछ नहीं होगा। हमने कहा लेकिन ठीक है, लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, पर आप कॉकरोच क्यों बनना चाहते हैं? बोला भाई मैं कॉकरोच इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बीवी कॉकरोच से डरती है। अब आप ये तय कर लें कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या नहीं बनना चाहते हैं। वैसे मैंने देखा है खास करके कई लोगों को मैंने देखा है, सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं और जोडियक साइन राशिफल काल क्या जाबे या आज क्या जाबे आज के दिन यही सब देखते हैं। तो एक शादीशुदा इंसान की कन्फेशन है, वो मैंने उनसे पूछा कि आप सबसे पहले अखबार में क्या पढ़ते हो? बोला मैं तो ज्योतिष फल देखता हूँ। हम बोले ज्योतिष फल में क्या देखते हो? मैं बीवी का जो राशि फल है वो देखता हूँ। हम बोले इससे आपको क्या फायदा, खुद का क्यों नहीं देखते, बीवी का क्यों देखते हो? बोला वो इसलिए बीवी का देख लेता हूँ कि मुझे पता चल जाता कि मेरा दिन कैसा जाएगा। तो ये सब हंसी मजाक की बातें आपके साथ होती रहेंगी, आप यूं ही हंसते रहें मुस्कुराते रहें। और जिसका हमें इंतजार है, हमको लगता है कि वो बस अब आने ही वाले हैं, आप लोगों ने हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें मस्त रहें। दुर्गा पूजा हमने जमकर मनाया, अब कल काली पूजा और दिवाली की बात है, जमकर मनाएंगे और उसके बाद तो छठ पूजा। थोड़ी बहुत भोजपुरी भी बोल लेता हूँ, अवेला हमारा तनी तनी भोजपुरी बोले, टूटल फूटल बोल लेंगे, लेकिन रउआ सभे के दुआ बा कि हम भोजपुरी में भी बतिया लेनी। तो रउआ सभे छठ मैया के व्रत भी जम के मनाई, मैया के कृपा राउर ऊपर बना रहे। यही के साथ राउर राकेश कह रहा बा नमस्कार, ओवर टू सुरेश भैया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी को, जो हर साल हम लोग के इस प्रोग्राम में अपना कीमती समय निकाल करके आते हैं। अब मैं
शकील भाई से गुजारिश करूंगा कि रविदा को बैच बनाए। के सेक्रेटरी वसी भाई को बैच बना करके सम्मानित करेंगे। सिराज आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि हर साल जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो काली पूजा हो चाहे वो जागरण हो, जिसमें शकील अहमद भी रहते हैं, सुरेश यादव भी रहते हैं, गुलाम गौस भी रहते हैं, सलीम भी रहते हैं, इदार भाई भी रहते हैं और राजा आनंद, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके इस प्रोग्राम को करते हैं। इसीलिए दीदी ने कहा है कि सबका धर्म अपना अपना है लेकिन उत्सव सबका है। इसलिए इस उत्सव में मैं शामिल होने के लिए आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हर साल की भांति इस साल भी जो वसी भाई हमारे बीच उपस्थित होते हैं और यही पैगाम देते हैं कि आइए हम सब मिलकर तिलजला की खूबसूरती को देखें और इसको जान करके और भी जगह पर इस पैगाम को पहुंचाएं कि एक तरफ हमारी नूरी मस्जिद है तो दूसरे तरफ वहां जहां नमाज पढ़ा जा रहा है वहीं यहां पर पूजा भी किया जा रहा है और सब मिलकर के इसी खुशी माहौल को बढ़ा रहे हैं। यही कारण है कि आप लोग हिंदुस्तान के बहुत से कोने में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ना कोई हादसा होता है, लेकिन तिलजला इस बात का गवाह है कि आज तक ना हुआ है और ना हो रहा है और ना होगा। यही कारण है कि हम लोग सब मिलकर करके अपना इस प्रोग्राम को, चाहे वो ईद हो चाहे वो बकरीद हो चाहे वो दुर्गा पूजा हो काली पूजा हो, हम लोग सब मिल करके मनाते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे वसी भाई से कि अपने मुखारवीन से दो चार शब्द कहें। वसी भाई शुक्रिया। स्टेज पे बैठे अतिथिगण, सामने खड़े हमारे बुजुर्ग और साथियों, आज इस पावन पर्व पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप आज का ये दिन आपका मंगलमय हो। कहने का ये तात्पर्य है कि ये देश की खूबसूरती है, जहां सुरेश है उसी मंच पर वसी भी है, यही देश की खूबसूरती। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि नफरत को नफरत से नहीं खत्म किया जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नफरत को मोहब्बत से खत्म किया जा सकता है और आग को पानी की जरूरत है। आज देश में कुछ माहौल बनाया जा रहा है मगर इससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए। याद रखना कि हर चीज का एक अग्नि परीक्षा होता है, अ लिटमस टेस्ट। आप हिंदुस्तानी हैं इसका सबूत कैसे हो, आप धार्मिक हैं इसका सबूत कौन दे। यह वक्त आ गया है कि अगर आप इस देश से प्रेम करते हैं, देशभक्त हैं, तो आपको भी देशभक्ति का परिचय देना पड़ेगा। आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, आप धर्म को मानते हैं, तो इसका भी आपको सबूत देना पड़ेगा। आज ये वक्त है, 70 साल आजादी के बाद मुझे तो बहुत खुशी है। आप लोगों को लगता होगा मुझे तो बहुत खुशी है आजादी के बाद, जिस आजादी अंग्रेजों से लड़ने के बाद हमने हासिल की थी सिवाय एक चीज से, वो एकता से। वहां हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब एक मंच पर आकर ये आवाज उठाए कि हमें इस देश को आजाद करना है।
यही खूबसूरती। दोस्तों आज वो दिन आ गया है कि आपको ये साबित करना होगा कि हम धार्मिक हैं। यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, क्रिश्चियनिटी है, ज्यूइश, आप उन किताबों का मुतालिक है। धर्म में क्या कहना चाह रहा है, धर्म हमसे क्या चाहता है, इसके बाद आपको वो जवाब, आपका वो आंसर आपको मिल जाए। आप जिस देश में रहते हैं, देश का क्या हक बनता है आपके ऊपर, और आपका देश के ऊपर क्या हक बनता है, ये दोनों बात आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर इस देश की मिट्टी से आपको मोहब्बत है तो आज का दिन आपको ये बात संकल्प लेकर उठना पड़ेगा, आपको ये वादा करके उठना पड़ेगा कि नहीं, हमें इस देश के हमारे पूर्वजों ने अपने खून और पसीने से इस देश को सींचा, इस देश को बनाया है। इसका एक ही उदाहरण हम दे सकते हैं कि आज इस मंच पर रोबिदा भी है, सुरेश जी भी है, वसी भी है, और लोग भी, यही एक खूबसूरती है। और इस देश को आगे ले जाने का यही एक कारण हो सकता है। दूसरा, इस देश को दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये खूबसूरती आपको नहीं मिलेगा। ये देश धार्मिक देश है, जहां हर धर्म के लोगों को टॉलरेट किया जाता है, हर धर्म के लोग के मान्यता को उसका रिस्पेक्ट किया जाता है। तो लोग इस बात को ध्यान रखें कि आज हमें इस बात की जरूरत है कि अगर कोई बात किसी भी धार्मिक तरफ से होता है तो आपको अपनी कौतूहलता को छोड़ना नहीं, आपके धैर्य को छोड़ना नहीं, आपको समझना। देखिए, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसमें कोई कमी नहीं। क्या हिंदू में कोई बुरे लोग नहीं होते? क्या मुसलमान में बुरे लोग नहीं होते? क्या सिख और ईसाई में बुरे लोग नहीं होते? सब धर्म के मानने लोग में अच्छे और बुरे होते हैं, मगर अच्छे व्यक्ति वही होते हैं जो लोग अच्छे व्यक्ति का तलाश करते हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन किस संदर्भ में कह रहा है, इस बारे में आपको सोचना होगा। और इस देश को हमारे पूर्वजों ने, हमारे आबाओ और जात ने, हमारे बाप दादाओं ने बहुत मुश्किल से हासिल किया है, ये याद रख लीजिए। इस देश को हमें नहीं बटने देना है और इस देश को आगे लेके चलना है। आप जानते हैं हमारी वर्तमान सरकार, यानी कि हमारी जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भाईचारा की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि देश में अमन रहे, हम लोग मिलजुल के चले, क्योंकि हमारा परंपरा रहा है। आप हिंदुस्तान में हजार साल का हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो एक तरफ मुल्ला और एक तरफ पंडित हमेशा आपस में गुफ्तगू किया करते हैं। धर्म का ये कॉम्प्रोमाइजेशन, धर्म का ये एकता आर देशों में नहीं मिलेगा आपको। तो मैं अपने बात को इस बात से वादा करके यहाँ से जाना चाहता हूँ और आशा रखता हूँ आप लोगों से, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं, कि आपको इस मोहल्ला में, इस इलाका में, इस शहर में, इस स्टेट में और पूरे देश में शांति का प्रचार करना है, भाईचारा का प्रचार करना है, एकता का प्रचार करना है, और यही भविष्य है हमारा, यही भविष्य हमारा। थैंक यू वेरी मच। हम लोगों के बीच उपस्थित हो रहे हैं कलकत्ता कॉरपोरेशन के MMIC और साउथ कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के सभापति, हम सबके हार्दिक अजीज श्री देवाशीष कुमार कुछ ही देर में अब यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हमारे इस हल्के के विधायक, पश्चिम बंगाल सरकार के गुरुत्वपूर्ण मंत्री, आप सबके, हम सबके प्रिय नेता श्री सुब्रत मुखर्जी जी, आप लोग इसी तरह हौसला बनाए रखें और अपने गेस्ट का, आने वाले अतिथियों का स्वागत करते रहें, क्योंकि ये साल आज तो कल खत्म होगा लेकिन एक बार फिर आएगा। हम लोगों के बीच तस्वीर ला चुके हैं
दोस्तों, जिनका आप लोग इंतजार कर रहे थे, आप सभी के प्रिय नेता हरदिल अजीज, सबके दिलों में राज करने वाले इस हलके के विधायक, पश्चिम बंगाल सरकार के गुरुत्वपूर्ण मंत्री और हमारे बहुत क्या बताए कि कितना नजदीक हमारे दादा सुब्रत मुखर्जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें कि ऐसा नेता जो हमारे बीच हर वक्त अपना छोटा भाई बड़ा भाई के तरह जिस तरह रहता है, उसी तरह सुब्रत में हम लोगों के बीच रहते हैं। हर सुख दुख में आप लोग जानते हैं इसी तिलचला का। अभी अभी कुछ दिन एक दिन पहले एक आदमी यहाँ पर आंसू बहा रहा था कि दादा जब आएंगे हम उनसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि सुब्रत ने इसी मोहल्ले के हमारे तीन नौजवान जो डूब गए थे उनको यहाँ पर लाने वाले वही सुब्रत मुखर्जी हैं। उनके लालों को उनके गोद में देने वाले वही सुब्रत मुखर्जी हैं। आप लोग जोरदार पहले से स्वागत कीजिए। अब मैं राजा से गुजारिश करूंगा, राजा से मैं अनुरोध करूंगा कि सूर्य को बैच बना करके सम्मानित करें। देखा के समान उनको ऊपर आओ। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। दादा का आप लोग जितना हौसला अफजाई करेंगे उतना ही दादा जल्दी यहाँ पर आएंगे। ऐसे तो दादा कभी भी, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे वो चना चूड़ा का छोटा प्रोग्राम हो, चाहे वो काली पूजा हो, चाहे घुमाने, हम लोगों के किसी भी प्रोग्राम में दादा का आज तक गैर हाजिरी नहीं रहा है। अब मैं दादा से अनुरोध करूंगा, अब मैं दादा से अनुरोध करूंगा कि बहुत जगह भी जाना है, मैं दो चार साथ जाने के लिए, लड़कों लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। उससे पहले मैं 64 नंबर वार्ड की एस काउंसिलर श्रीमती सन्नी जहान को मैं दो चार शब्द कहने के लिए गुजारिश करता हूँ। সকলে প্রিয় আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী সুব্রত মুখার্জী মহাশয়, উনি সকলের আপনজন। মঞ্চে উপস্থিত আছেন সনাতন রবিদাস এবং অন্যান্য সম্মানীয় ব্যক্তিগণ, এবং এই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সুরেশ যাদব এবং এই ক্লাবের সমস্ত মেম্বার্সরা, এছাড়া আমার তিলচালার সমস্ত জনগণকে আমার আওয়াজ যতদূর পর্যন্ত যাচ্ছে সবাইকে আমি আমার সালাম ও নমস্কার জানাচ্ছি। প্রথমে আমি আমার আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাচ্ছি শুভ দীপাবলি এবং কালী পুজোর জন্য। আজকে মহামায়া আবির্ভাব হবেন, আপনারা সবাই জানেন এই মহামায়া অর্থাৎ তার অর্থই হচ্ছে বিজয়া। মহামায়া কেন এসেছিলেন? মহামায়ায় ধরণীতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন অসুরদের বিনাশ করে এই পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য, তাই মহামায়ার আবির্ভাব। সেই মহামায়া অসুরদের বিনাশ করে এই ধরাধামে শান্তি স্থাপনা করে স্বর্গে চলে গেছিলেন। আজ আমাদের সেই দিন এসেছে। আসুন আজকে আমরা সবাই মিলে আমরা শপথ নিই, আজকে আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে এবং এই বাংলাতে বাংলার সংস্কৃতি বাংলার ঐতিহ্যকে যে অশুভ শক্তি নষ্ট করছে, ধর্মের নামে যে রক্তের হোলি খেলা খেলছে, আমাদের বাংলার কালচারকে যারা নষ্ট করতে চলেছে, আজকে আসুন হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে, নানা জাতি মিলে শপথ নিই যে আগামী ইলেকশনে বাংলার মুক্তিকে সেই অশুভ শক্তিকে বিনাশ করব। এই প্রতিজ্ঞাই হবে আজকের দিনে আমাদের এই মহামায়ার শুভ আবির্ভাব তিথিতে শপথ। আমরা দেখব যে এই বাংলার বুকে আমাদের দিদির পতাকা দিকে দিকে উড়বে এবং নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান দিদিদের মাঝে মিলন মহান। আসুন আমরা দিদির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এই
চাই আমরা এই ভারতবর্ষে এই বাংলার বুকে স্থাপনা করি। এই বলে আমি শেষ করছি। দাদাকে অনেক জায়গায় যেতে হবে। অনেক দিন পরে আমি তিলজলা এলাম। আমি জানি 95 সাল আপনাদের এই তিলজলার জনগণ আমাকে 95 সাল থেকে আমাকে দোয়া দিয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন। আমি আমার তাদের তিলজলা আওয়ামের কাছে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। তাই আবাই আমি সবাইকে, এই আওয়ামকে, এই ক্লাবকে এবং আমার শ্রদ্ধেয় মন্ত্রী মহাশয়কে আমার আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছেন আমাদের সকলের প্রিয় এমআইসি সম্মানীয় দেবাশিস কুমার। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें देवादा का। देवादा शुरुआत जो हम लोगों के बीच अपना कीमती समय देकर आए हैं, उत्तरी पाना का सम्मानित करेंगे। भीम, आप लोगों के ताली में आवाज नहीं है, जरा जोरदार बजे, कम बजे। और मैं शुरुआत से अनुरोध करूंगा कि वो दो चार शब्द कहें। नमस्कार, सलाम अलैकुम। हमारे मध्य उपस्थित रहे এই জেলার সভাপতি এবং এমআইসি সদস্য দেবাশিস কুমার, উপস্থিত রয়েছেন রবি সামিজার, সুরেশ এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা। রাত অনেক হয়ে গেছে, আমরা এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান করতে করতেই এতটা সময় কাটিয়েছি, এখনও দুটো জায়গায় যেতেই হবে। তো আমি আপনাদের যারা উদ্যোক্তা তাদের ধন্যবাদ জানাই। মাতৃ আশীর্বাদ আপনারা লাভ করেছেন দুর্গা পূজার মধ্যে দিয়ে। এবার কালী পূজা আরেকটা শক্তির পূজা আপনারা করেন অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে আমরা জানি। এখানে মমতা ব্যানার্জি একটা কথা বলেন যে ধর্ম তোমার আমার, উৎসব সবার, আমরা সেটাই পালন করি। এই এলাকায় বিশেষ করে অনেক পুজো আছে, কয়েকটি দুর্গাপুজো এবং কালী পুজো, যেখানে যারা করতেন তারা প্রায় নেই। সেখানে আমাদের অন্য সম্প্রদায় মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকরা তারাই দায়িত্ব নিয়ে পুজোটা উদ্ধার করে দেন। এরকম অন্ততপক্ষে প্রায় 3-4টি পুজোর সংবাদ আমি জানি, একদম নিজেরা খরচ করে তারা করে দুর্গাপুজো। কালী পুজোর ক্ষেত্রেও তাই। এর পরের যে কালী পুজোটি যাব উদ্বোধন করতে, হ্যাঁ রাজু ভাই, ও মুসলিম, কিন্তু এই পুজোটি করার লোক নেই বলে হিন্দুদের হয়েই ও করে দেয়, এবং তারা স্থানীয় হিন্দুরা সেটা নিষ্ঠা নিয়ে পালন করে। এরকম পরম্পরা আর কোথাও দেখা যায় না। আমি খুব গর্বিত যে এমন একটি জায়গার আমি প্রতিনিধিত্ব করি যেখানে হিন্দু মুসলমান সব একাকার হয়ে যায়। এটা আমার কাছে খুব একটা গৌরবের কথা আপনাদের মধ্যে থাকতে পারে। এইভাবেই চলা শিখতে হয়, এইভাবেই চলতে হয় সমাজে, তাহলে শান্তি স্বস্তি দুটোই হয় এবং ভগবান এবং আল্লাহ যেই থাকুন তার আশীর্বাদ আপনারা পাবেন সবাই। আজকে এখানেও এই অনুষ্ঠানে সবাই মিলে আপনারা করেন, আমি জানি আপনারা গরিব মানুষের সহযোগিতাও করেন। তাও রাত হয়ে গেছে, আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করছিলাম, সুরেশ এবং তার সহকর্মীরা যে আয়োজন করে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মার আশীর্বাদে আপনাদের জীবন সুন্দর হবে,
সার্থক হবে, শান্তি হবে এবং সমস্ত শত্রু বিনাশ হবে। নমস্কার, অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদাকে। এবারে আমি অনুরোধ করব আমার কলকাতা কর্পোরেশন কে এমআইসি সাউথ কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হাম সবকে প্রিয় নেতা দেবদাস দো শব্দ কানে কে লিয়ে নমস্কার। আজকে তিলজলা ইউথ তারা প্রতি বছরের মতো এবারও কালী পুজোর আয়োজন করেছেন। তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একজন উপস্থিত আছেন, বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক এবং রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী আমাদের অভিভাবক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, আছেন প্রাক্তন পৌর প্রতিনিধি স্বামী জাহান, আমাদের 60 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রবি, পুজোর উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম সুরেশ এবং আরও অনেকে এখানে রয়েছেন। সুব্রতদার কথা ধরেই আমি বলি, এটা সেই ভারতবর্ষ যে ভারতবর্ষে কবির নাম নজরুল ইসলাম, ধর্মে মুসলিম, আর গান লেখেন শ্যামা সঙ্গীত। তারই বোধ হয় একটা ছোট সংস্করণ আমরা এখানে পাই। এখানে সুরেশের সঙ্গে সিরাজ একসঙ্গে মায়ের পদ্মফুল তৈরি করে, যেটা কালকে মায়ের দোয়া হয়। ধর্ম আমার, ধর্ম তোমার, উৎসব সবার। সেই উৎসবে যারা সামিল হয়েছেন হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে, তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই এবং সত্যি সুব্রতদার গৌরব করাই উচিত। সুব্রতদার এমন একটা অঞ্চলের বিধায়ক যেখানে আমরা যে শাশ্বত ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখি, যে ধর্মনিরপেক্ষ স্বপ্ন দেখি, আমরা যে নজরুলের ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখি, যে নজরুল বলছেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, বলো কে ডুবছে, হিন্দু না মুসলিম, জিজ্ঞাসা করে জল। নজরুল বলছেন, কান্ডারি বলো, ডুবিছে মানুষ মোর মার, এরা হিন্দু না মুসলিম কেউ জানে না, এরা ভারতবর্ষ। আমি এই পূর্ণ জায়গায় সুরেশদের আরেকবার ধন্যবাদ জানাই। আমরা দেখি যখন ঈদের নামাজ হয়, যখন আমাদের যারা এখানে ধরুন 64 নম্বর ওয়ার্ডে ধরুন বিশ্রী রামান্না, তারা যখন নামাজ পড়তে যায়, সুরেশ না 5 টাকার ওই 7 পয়েন্টে দাঁড়িয়ে থাকে। আর আজকে যখন সুরেশদের কালী পুজো হয়, তখন সিরাজটা হাত বাড়িয়ে দেয়, এটাই সেই জায়গা। আমি সকলকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দীপাবলির উৎসব, এবং এই দীপাবলির উৎসব মানে আলোর উৎসব। মার কাছে আমাদের একটাই প্রার্থনা, মা তুমি তো আলোর দেবতা, আশুমতি হিমাচলে যেন কোনো অন্ধকার না থাকে। অন্ধকার মানে ইলেকট্রিক আলো নয়, অন্ধকার মানে জ্ঞানের আলো দাও, শিক্ষার আলো দাও। জ্ঞানের এবং শিক্ষার আলোয় যেন সারা ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হতে পারে। কিছু জায়গায় অন্ধকার আছে বলে মানুষের জ্ঞান কম থাকায় কিছু মানুষ মানুষকে শোষণ করছে। মানুষ যদি সত্যিকারের মায়ের আশীর্বাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, যারা মানুষে মানুষে বিভাজন করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছেন, মানুষই তাদের বিরুদ্ধে জবাব দেবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, বহুত বহুত ধন্যবাদ দেবদা কো। আমি কম সে কম 5 আদমি কো দাদাকে হাত সে দিয়ে দিয়ে যায়, উসকে বাদ মে ফির আপ লোগ ইয়াহ পর রহিয়েগা, তুমকো কপড়া দিয়া যায়গা, লেকিন পহলে হম লোগ উদ্বোধন অনুষ্ঠান কর লেঙ্গে। আপ লোক জোরদার তালে স্বাগত করেন, আপ দাদা সে উদ্বোধন করা হয়, উসকে বাদ আর দুসরা প্রোগ্রাম হোগা।
খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সব পুজোই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই পুজোটা সব মানুষ একসাথে মিলে আয়োজন করে। এখানে যে স্লোগানটা মমতা ব্যানার্জি দেন যে ধর্ম তোমার আমার উৎসব সবার, ঠিক সেই মেনে এই পুজোটি হয়। এই পুজোটার মিষ্টত্ব এবং গুরুত্ব এখানে অনেক বেশি। আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং যে সামাজিক কাজও এর মধ্যে দিয়ে হয় সেটা প্রশংসনীয়। খুব ভালো হয়তো যেটা সুব্রত মুখার্জি বললেন, একই কথা আমাদের, যে আমরা যে উৎসব যে ধর্মের কথা বলি সেই ধর্ম সকলের সঙ্গে সকলকে নিয়ে চলতে শেখায়। সে ধর্ম মানুষের মানুষের বিভেদের কথা বলে না, মানুষের মানুষের ঐক্যের কথা বলে। আজকের পুজোটা এখানকার পুজো তারই একটা নিদর্শন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই মায়ের আলোচনা করছেন, এটাই হওয়া উচিত। জব হমারে বড়ে বুজুর্গ জো কহতে হ্যায় মাই উসকো মানতা হুঁ। ইস পূজা কি বাত হি কুছ নিরালি হ্যায়, ইহাঁ ইয়ে বাতাতা হ্যায় কি ইয়ে ভারত দেশ হামারা বিলকুল অলগ হ্যায়, সবসে অলগ হ্যায়। জাত পাত ইস পর কোই বাত হি নাহি বান সকতি, হম চাহে হিন্দু হ্যায় মুসলমান হ্যায় হম সব সাথ রহতে হ্যায়। আগর হম বোলে তো হর সে হিন্দু হোতা হ্যায় মর সে মুসলমান হোতা হ্যায়। ভারত মাতা কি জয়, জয় মা কালী। श्री सुब्रत मुखर्जी, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं